यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। इस वर्ष भी छात्राओं ने बाजी मारी, वहीं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। मंगलवार को यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें इस वर्ष भी बालिकाओं ने बाजी मारी। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में बालकों के उत्तीर्ण प्रतिशत में वृद्धि हुई, वहीं रिजल्ट आते ही बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। हरिश्चंद बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रियंका तिवारी ने बताया कि हमारे यहां शत प्रतिशत परिणाम रहा, जिसे देखकर सभी खुश हैं। छात्राओं ने विद्यालय का नाम रोशन किया है। वहीं इस अवसर पर छात्राओं को मिष्ठान खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। चलो खाते रहो। किस तरह का रिजल्ट यहाँ निकला और छात्रों में कितनी खुशी है? आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की ही परीक्षा फल घोषित हुआ है, और बहुत कम समय में परीक्षा फल घोषित हुआ है। माध्यमिक शिक्षा में 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है, इतने कम समय में कभी भी रिजल्ट नहीं आउट हुआ था। बच्चे बहुत अच्छा किए हैं। हाई स्कूल में हमारे यहाँ 100% बच्चे पास हुए हैं, और इंटरमीडिएट में हमारे यहाँ 98% रिजल्ट रहा है। बच्चों में बहुत हर्ष है, बच्चे बहुत खुश हैं। तो आज छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे अपने विद्यालय में, कितना खुश है छात्राएं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चे अच्छा किए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे किसी वजह से उनका थोड़ा खराब प्रदर्शन रहा है, वो बच्चे बिल्कुल निराश नहीं हों, क्योंकि ये आपका पहला स्टेज है, और पहले स्टेज में इतना आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको अभी जीवन में आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा। यही संदेश आज मैं बच्चों को देना चाहूँगी। इसी कड़ी में जनपद के बेटे बेटियों ने अपना परचम लहराया। हाई स्कूल के नमन गुप्ता ने प्रदेश में काशी का मान बढ़ाया। नमन ने 97.5% अंक पाकर प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया। नमन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों व अपने माता पिता को दिया। मैं कक्षा 10 में मेरे 600 में से 585 नंबर आए हैं, अर्थात 97.5%। मैं इसका श्रेय अपने विद्यालय शिक्षकगण, कोचिंग के सर और माता पिता को देना चाहता हूँ। मेरा माई एम इज़ टू बिकम अ इंजीनियर एंड IAS ऑफिसर। सहारा टीचर्स ने स्कूल के बहुत दिया, और जो कठिनाई आई थी स्कूल कोचिंग में और यूट्यूब में जो जिसमें और बहुत ज़्यादा कठिनाई, जैसे SST सब्जेक्ट हुआ और अन्य अदर सब्जेक्ट जो थे उसमें जो कठिनाई है, उसके लिए यूट्यूब का सहारा लिया। यूट्यूब में ज्ञानोदय के गुरुजी करके एक चैनल है, जिससे मैंने साइंस और मैथ के क्लासेस लिए। उसने मुझे मेरी बहुत सहायता की बोर्ड एग्जाम के लिए लास्ट मोमेंट पे। वहीं आमरन सिद्दीकी ने 94.8% अंक प्राप्त कर नाम रोशन किया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। 94.8% श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? पहले तो अल्लाह पाक को, फिर परिवार वालों को। स्कूल कौन सा था आपका? श्री कालिदास शिक्षा संस्थान। पढ़ाई किस तरह से करती थी, कितने घंटे करती थी? मतलब स्कूल से आने के बाद 6-7 घंटा मतलब करते थे, 6 बजे तक आते थे घर, तो फिर 6-7 मतलब करते थे। कोचिंग? हाँ, कोचिंग, ज्ञान कोचिंग करते थे। ज्ञान कोचिंग, ज्ञान सर वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या कोचिंग से भी आपको कुछ? हाँ, मतलब स्कूल से, कोचिंग से, दोनों से। मतलब सब्जेक्ट कौन सा बढ़िया आपको लगता था पढ़ाई में, या कठिन कौन सा? मतलब बायो में मेरा अच्छा मार्क्स आता था ज्यादा, लेकिन मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री सब भी अच्छा लगता था। कमजोर कौन सा था जहाँ पे काम करने के लिए पढ़ाई ज्यादा करना पड़ा? मतलब केमिस्ट्री में थोड़ा हमको ज्यादा लगा कि करना पड़ा, और सब फिजिक्स में भी मतलब थोड़ा सा किए, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा मतलब ज्यादा लगा मेहनत। इसका श्रेय किसको देंगे आप? इतना अच्छा नंबर आया, किसने किसने आपके साथ? मेरे सर लोग भी ज्यादा मेहनत किया, मतलब स्कूल वाले, कोचिंग वाले, सब ने मेहनत किया। आगे क्या इरादा? नीट का, MBBS डॉक्टर। मतलब
वहीं काशी की बेटी अर्चना ने हाई स्कूल में 97.33% अंक लाकर न सिर्फ काशी का ही नाम रोशन किया बल्कि प्रदेश में भी 5वां स्थान प्राप्त कर उत्तर प्रदेश का भी मान बढ़ाया है। एक किसान के घर में जन्मी बच्ची अर्चना ने घर के कार्य के साथ साथ पढ़ाई में भी काफी मेहनत की और आज रिजल्ट सामने है। अर्चना की आगे IAS बनने की इच्छा है। उसके अंदर काफ़ी उत्सुकता है क्योंकि हमें भी विश्वास था यह बच्ची हमारे यहाँ जो है जब से स्टार्टिंग से जो है शिक्षा ग्रहण कर रही है और प्रत्येक वर्ष अपने क्लास में जो है टॉप 10 में रही है। बच्ची जो है हर साल आगे बढ़ती हैं और उसके बाद उन लोगों को उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, साथ ही साथ और हमारे जो बच्चे हैं उनको भी हम कोशिश करते हैं किसी प्रकार से अपने क्लास में स्थान प्राप्त करते हुए फाइनल क्लास में जो उनकी जो है सोच है गार्जियन की, माता पिता जो जिनके लिए इतना पैसा खर्च करते हैं वो जो है कम से कम सही सदुपयोग हो और बच्चे जो है भविष्य में आगे जा करके जो है विद्यालय का नाम रोशन करें। स्कूल में बच्चों को किस तरह का माहौल दिया जाता है क्योंकि लगातार हम देखे हैं आपके स्कूल का नाम हमेशा रहता है। विद्यालय के अंदर जो है बच्चों को एक अनुशासन में रखते हुए शिक्षा कार्य का जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और उसके बाद भी पीरियड हमारा 30 मिनट का होता है। उसके अलावा अगर किसी भी बच्चे के पास कोई भी समस्या है तो वे बच्चे स्वतंत्र रहते हैं, एक बार दो बार चार बार अपने टीचर से जो है संपर्क करके पूछने की कोशिश करते हैं। उस समस्या का समाधान हमारे सारे टीचर मिल करके जो है अपने अपने सब्जेक्ट का जो है पूरा करते हैं जब तक कि बच्चे संतुष्ट ना हो जाएं। सर मैंने तैयारी की थी दो घर पर 2-3 घंटे की सेल्फ स्टडीज और स्कूल में और कोचिंग में मैंने पढ़ा था। कितना उत्साह है रिजल्ट को लेकर, क्या उम्मीद थी आपको कितना अंक आ जाएगा? सर उत्साह मेरा बहुत ज़्यादा, एक्साइटमेंट थी मुझे रिजल्ट देखने की और उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा इतना ज़्यादा। किस तरह का माहौल स्कूल में मिलता था? सर अगर स्कूल में देखा जाए तो सर मुझे एकदम मतलब लगता ही नहीं था कि मैं स्कूल में हूँ, एकदम फैमिली जैसा माहौल था, घर की तरह ही। परिवार में किस तरह का माहौल था, पढ़ाई लिखाई में? सर परिवार ने मुझे बेस्ट माहौल दिया पढ़ने के लिए जैसा कि मुझे चाहिए था। आगे क्या बनना चाहती हैं? सर आगे मैं UPSC क्लियर करके IAS क्वालिफाई करना चाहती हूँ। कुछ बच्चों से कहना चाहेंगे आप जो देख रहे हैं आप? यस सर, वो उनसे मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि वो हार्डवर्क करें और रिजल्ट की चिंता ना करें, रिजल्ट को छोड़ दें। अगर उन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी तो उनका रिजल्ट अपने आप बहुत अच्छा आएगा।